अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सबीन जावेद, अ सोशल मीडिया मैनेजर ऑफ जीएमडी डॉट गुलाम मुरसलीन होरी मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर टीम। हाउ आर यू ऑल पाकिस्तान माय डियर व्यूअर्स लिसनर्स, मेरे तमाम देखने सुनने वाले मेरे दोस्त, आप कैसे हैं? आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला से दुआ गो हैं आपके लिए। मैं और मेरी टीम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं, और एक नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ सबीन जावेद फिर आपके दरमियान हाजिर है। यहाँ बात करना चाहेंगे जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं मूनसून की बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, ये साइकिल कम्प्लीट हो चुका है, प्रोसेस पाकिस्तान में अब शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर बारिशें शुरू हो चुकी हैं, और कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ पर बहुत गर्जो चमक के साथ जो है वो आंधी तूफान आ रही है अभी, लेकिन बारिश अभी बहरहाल एक्सपेक्टेड है, बारिश वहाँ नहीं हुई तो हो जाएगी। लेकिन बहरहाल कल जैसा कि हैदराबाद में हुआ, बारिश के आसार थे बहुत तेज़ी से, 12 बजे के बाद गर्जो चमक के साथ तेज़ हवाएं चल रही थी। लेकिन होता क्या है कि एडवांस में लाइट तो पहले ही चली जाती है, लाइट पहले ही चली गई जनाब, बारिश अभी शुरू भी नहीं हुई। और फिर जब बारिश शुरू होती है तो क्या होता है कि बारिश अगर शुरू हुई है, हैदराबाद में बहरहाल कोई खास बारिश नहीं हुई, कल ख़त्म हो गई थी कुछ देर चलकर जो है वो बूंदाबांदी, लेकिन हुआ क्या कि फजर के बाद लाइट दिए। तो एक तो सबसे पहला हमारा ये घटिया निज़ाम बिल्कुल जो है वो हवाओं के चलने से ही जो है वो बिल्कुल ही हमारी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर है कि हवाओं के चलने से ही ये बहरहाल लाइट गायब हो जाती है। सेकंडली ये बात करना चाहेंगे नक्काशी के हवाले से कि नक्काशी का जो है वो निज़ाम तो उससे भी ज़्यादा घटिया है। क्यों नहीं जनाब पाकिस्तान में पहले से, जबकि ये न्यूज़ आती हैं कि जनाब ये बारिश एक्सपेक्टेड हैं 15 दिन के अंदर या महीने के अंदर, पहले से क्यों नहीं जनाब प्रोसेस किया जाता है कि पहले से जितने भी नाले हैं उनकी सफाइयाँ करवाई जाएं या जो भी आबी निज़ाम है उसको ठीक किया जाए। होता क्या है कि पाकिस्तान में बारिशें शुरू हुई और उसके बाद फ़ौरन से जो निज़ाम इतना घटिया होता है कि अभी 2 से 3 घंटा बारिश चली है और पूरे शहर उबल उबल कर बाहर आ गए, गटर उबल पड़े हैं जनाब, और बारिशें की वजह से आमदो रफ्त जो है वो लोगों की मफलूज होकर रह जाती है। छोटे बच्चों को आप ले लें, छोटे बच्चों को कैसे आप रोक सकते हैं, बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए, बारिश को देखने के लिए खुशी में। होता क्या है जनाब, वहाँ तो गटरों से ढक्कन भी गायब हैं, बच्चे गिर जाते हैं उसमें, ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि बाद में बहरहाल फिर उनको निकाला गया या उनकी लाशें बरामद हुई। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो बड़े नालों में गिर गए, कराची में जैसे बड़े नाले मौजूद है तो वहाँ से तो लाशें भी बरामद नहीं हुई जनाब। इनकी सफाइयाँ क्यों पहले से नहीं करवाते हैं आप, यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे जनाब। एंड आई एम नॉट वन एंड ओनली हु आर टॉकिंग अबाउट इट, मैं कोई पहली दफ़ा इस पर बात नहीं कर रही हूँ, मुझसे पहले भी कई लोगों ने इस पर इशूज़ उठाए हैं, इस पर बात की है, लेकिन इम्प्लीमेंट की बात है। आप रेस्पॉन्सिबल हैं जनाब, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो MN MP हैं, जो इलाके के जिन्हें हम चूज़ करते हैं, जिन्हें हम जो है वो सेलेक्ट करके हम बिठाते हैं जनाब, अगर आपसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? क्यों नहीं आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं? हमारे यहाँ तो जनाब होता ही है कि अगर छोटी सी सोशल एक्टिविटी की गई है, कोई चौक का इफ्तिताह कर दिया गया, कोई वॉल बना दी गई, कोई एक्टिविटी की गई है, तो फौरन से बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाई हैं और सेल्फीज़ बनाई हैं, पिक्चर्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। तो काम भी तो उसी रफ्तार से कीजिए ना जितनी रफ्तार से आप सोशल मीडिया पर जो है वो पब्लिसिटी करते हैं। हम तो बोलेंगे, फिर कहते हैं कि आवाम उठ उठकर बोली जनाब, वी आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स? जब इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होंगी आप लोगों की तरफ से, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे जनाब कि आप लोगों को हम जो है वो चूज़ करके बिठाते हैं, कि अगर आप ये सारी वर्किंग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा जनाब? पाकिस्तान के अहदेदारान हैं आप, जिम्मेदारान हैं आप, बैठे हैं बड़े बड़े अहदों पर, तो ये आप नहीं करना है ना। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ख़राब होकर रह जाता है जब ये मूनसून की बारिशें शुरू होती हैं, तमाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है, ना कहीं आ सकता है ना जा सकता है बंदा, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। चले मान लिया कि ये प्रोसेस 15 से 20 दिन में ख़त्म हो गया, एक महीने में, होता क्या है कि उसके बाद भी कई कई दिन पानी ठहरा रहता है। ये भी नहीं है कि चलें बारिशें ख़त्म हो चुकी तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो सफाई करा दी गई या पानी के जो है वो निकासी का इंतज़ाम कर दिया गया है, मशीनें लगाकर वो पानी जो है वो वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। कई कई महीनों तक जो है वो ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। बहरहाल पाकिस्तान के तमाम हालात आपके सामने, मेरे इस वक्त जितने भी देखने वाले सुनने वाले लिसनर्स और व्यूअर्स हैं जो मुझे यहाँ से देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप पाकिस्तान की किसी भी सिटी में अवेलेबल हैं और क्या वहाँ पर भी यही सिचुएशन है? आप क्या कहना चाहेंगे जनाब, क्या वहाँ पर भी यही निज़ाम है पानी का? पूछते हैं आखिर क्यों जब बारिशों का मूनसून का अलर्ट जारी किया जाता है महकमा मौसमियात की तरफ से, तभी आप जो है वो आप लोगों की बैटरी चार्ज हो जाती है, आप लोग अलर्ट्स पर आ जाते हैं कि जनाब अब वर्किंग करनी है, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। जब बारिशें शुरू हो जाती हैं इससे पहले काइंडली आप अमल कीजिए, इन्हें देखिए, इन तमाम इश्यूज़ को हल कीजिए, क्योंकि अब फिर मूनसून का जो है वो साइकिल पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है और फिर यही पूरे कंट्री की सिचुएशन है। आप क्या कहते हैं मेरे तमाम सुनने वाले देखने वाले, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान के किस शहर में, आपके इलाके की क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्या आप इतने डिस्टर्ब हैं जितना सिंध के लोग और हैदराबाद कराची के लोग डिस्टर्ब हैं? आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। एक नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ फिर आपके दरमियान सबीन जावेद हाजिर होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।